हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की। यहाँ पर देखिए, जो आपका है मॉक्स का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो आप मॉक्स का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, जस्ट अब आप आए ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही झटके में, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही झटके में सभी हुए पास। सभी पास कैसे हुए, देखिए हमने कल जितना बताया था सभी यहाँ पर फंस गया आपका, ठीक है। तो देखिए, आपका यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपका सभी फंस गया है, जितना भी मॉस में हमने बताया था। तो देखिए, जितना सभी तो पास नहीं हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि जितने मेरे ऑडियंस हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं मुझसे, वही पास हुए होंगे, ठीक है। मतलब वही ऑलरेडी उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, तो मैंने बताया भी है बार बार। और हमने देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही वहाँ पर रखे थे, तो वहाँ से ही आपके बहुत क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन लगभग देखिए कुछ नहीं था, बस आपका 2 से 3 मिनट की एक वीडियो थी कल वाली, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन उसमें फंसे हुए, ठीक है। तो हमने बताया भी था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको देखें यहाँ पर, आपको इसी प्रकार से देखिए जुड़ जाना है, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। टाइम की देखिए, टाइम की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब कम समय मिल पाता है यहाँ पर। तो अगर देखिए यहाँ पर अगर पूरा मतलब मिल जाएंगे तो आपका पूरा सब कुछ एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 50 का है तो 45 आपको मतलब दिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन थे के स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं कि सर सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हमने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था इसलिए, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट था, तो वहाँ पर हमको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देना चाह रहे थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, उसी से आपका सारा कुछ फंस गया है। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज हमने दिया हुआ था, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका पूछ लिया गया था यंग मॉडुलस क्या होता है, तो यंग मॉडुलस आपका पूछा गया था, इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से ओनली फॉर आपका ये फंसा था, और आपका देखिए यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में फंसा हुआ था क्या, स्टिफनेस, ठीक है, क्या फंसा था, स्टिफनेस। तो स्टिफनेस हमने बताया था कि एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस। यहाँ पर देखिए सेकंड चैप्टर से आपका यहाँ पर टी एल मतलब और आई सेक्शन से कुछ नहीं पूछा गया था, बट मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूछा गया था, जो कि देखिए सभी यहाँ पर जितने भी हम बताएं सब पूछा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए चैप्टर थर्ड है, तो चैप्टर थर्ड में आपका आया था यहाँ पर देखिए, ये आपका नहीं आया था कैंटिलीवर बीम, और ना कोई मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी नहीं आया था, आपका एसएफडी आया था। अगर आप ये जानते हैं कि एसएफडी किस प्रकार से बनाया जाता है, हमने बताया भी था कि एसएफडी बीएमडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना भी है कि किस प्रकार से मतलब तैयार करते हैं एसएफडी बीएमडी। तो आपका शियर फोर्स भी पूछा गया था उसमें, और आपका एसएफडी देखिए, अगर एसएफडी आता है आपको बनाना, तो आप मतलब अपने माइंड से ही क्रिएट कर सकते हैं एसएफ की डिफिनीशन, ठीक है। और बाकी एसएफडी का यहाँ पर डिटेल्स पूछा गया था कि कैसे मतलब बनाते हैं, तो उसमें आपको पॉइंट वाइज आपको लिख देना था कि सबसे पहले रिएक्शन फोर्स निकालते हैं, ये लिखते हैं, सब कुछ आपको लिख देना था। अब हम देखिए बात करते हैं, इसी प्रकार से आपको सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलेंगी, और आपको बहुत सा एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको वहाँ से भी बहुत एडवांटेज मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑफिशियल आप लोग के लिए ही क्रिएट किया गया है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर फोर, तो चैप्टर फोर में आपका देखिए बेंडिंग इक्वेशन पूछ लिया गया था 5 नंबर में, ठीक है। आपका एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग, अगर आपको प्योर बेंडिंग आया था कि क्या होता है, तो एजम्पशन भी अगर आपको पता है तो भी आप लिख सकते हैं, ये भी आ गया था आपका, ये नहीं आया था, ठीक है, ये नहीं आया था आपका। अब हम बात करते हैं 5th चैप्टर में, तो अब तो का दोनों चीज़ आ गया था, रेजिलियंस भी और प्रूफ रेजिलियंस दोनों चीज़ आ गया था, ठीक है, दोनों चीज़ ही आ गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए टॉर्सन, देखिए बहुत है चैप्टर में आपका, बहुत टॉपिक है, लेकिन हमने उसमें से आपको छांट कर बताया ताकि आपका यही फंसेगा। देखिए टॉर्सन इक्वेशन नहीं आई थी, ठीक है, ये नहीं आया था आपका, पोलर मोमेंट मॉडुलस ऑफ सेक्शन भी आपका नहीं आया था, और यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन भी आया था, बट उसके साथ और भी ऑप्शन थे आपका। देखिए स्लेंडरनेस रेशियो भी नहीं आया था, बकलिंग आया था, क्रिपलिंग आया था, ठीक है, तो ये भी आपका आया था। उसके बाद देखिए इस चैप्टर से 9th चैप्टर से लास्ट चैप्टर से अगर हम बात करें, तो आपका हुप स्ट्रेस भी आया था। हुप स्ट्रेस देखिए वहाँ पर नहीं लिखा था, वहाँ पर लिखा था सरकम, देखिए सरकम फेरेंशियल, ठीक है, सरकम फेरेंशियल स्ट्रेस लिखा हुआ था। तो ये दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं, जो सरकम मतलब सरकमफेरेंस पर लगता है, और जो हुप, दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं। तो आपका इससे भी ये भी आपका क्वेश्चन बना था। तो देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी मिलता रहेगा,
ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। देखिए टेलीग्राम पर भी जो स्टूडेंट नए हैं नहीं ज्वाइन हुए वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएं। और देखिए आपको हर एक नॉलेज के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, ठीक है। और आपको वहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना है आपको, मतलब इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और अपनी प्रिपरेशन को आप करते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए टाइम मिलेगा हम यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे और आपको बता भी देंगे डिफिनेशन के साथ, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक मिनट यहाँ पर देखिए, एक मिनट आपको यहाँ पर एक यहाँ पर दिखा भी दें, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट एक है यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कमेंट किया गया है कि सर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सर आपके बताए हुए, यहाँ पर देखिए सर आपके बताए हुए सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, सर ये भी फंसेगा ना, ठीक है। मतलब ये इस वीडियो को देखकर, ठीक है, इस वीडियो को देखकर इन्होंने देखिए और भी कहा है कि देखिए ये कल की वीडियो है, ठीक है, ये आपकी कल की वीडियो जिसमें हमने बताया सारा आपको। और देखिए यहाँ पर आपका थर्मल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, कल। तो यहाँ पर देखिए सर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो अब मतलब सर थर्मल का भी बताइए प्लीज़। तो हम देखिए आप लोगों को अब मतलब शाम तक आपको बता देंगे, ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तभी हमने यहाँ पर चेक किया फिर पेपर भी उठाकर, ठीक है, स्टूडेंट से मैंने पेपर लिया एक, तो उस वहाँ पर फिर उसको हमने चेक किया, ठीक है। चेकआउट करने के बाद ये पता चला कि सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुट अप हुए हैं, जितना भी हमने बताया था फंसे हुए हैं सभी। तो इसी प्रकार से आपको अब तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए थर्मल में भी आपके क्वेश्चंस बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो बताया जाएगा। तो आप लोग मतलब अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो हम बताएंगे उसको आप फॉलो